हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 21 जून जो इस बार अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। पूरा वर्ल्ड यहाँ पर योगा डे सेलिब्रेट करता है और इसी दिन हमें सन एक्लिप्स भी देखने को मिलने वाला है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात होगी हमारी यहाँ पर फादर्स डे। लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं वापस सन एक्लिप्स की ओर। क्या होगा इस बार खास? इस बार बेहद खास होगा 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण। जी हाँ, इस बार हमें जो चीज नजर आएगी आसमान में, कोरोना। अगर ये आप जो देख रहे हो, ये कोरोना ही है। इसे कोरोना कहा जाता है, जिसे फायर रिंग भी बोलते हैं हम। तो इस बार वो नजर आएगा। अब यह महीना अत्यंत, अगर हम बात करें इस जून मंथ की, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। शुरुआत में 5 जून को अगर आप देखेंगे, 5 जून को मून एक्लिप्स था, तो 21 जून को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। और इस बीच 20 जून को संक्रांति भी पड़ेगी, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जो जून है उसको सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। और कोरोना के इस दौर में सूर्य ग्रहण के दिन आकाश में वास्तविक कोरोना भी नजर आएगा। हकीकत में जो हम कोरोना वायरस का नाम सुन रहे, वो इसी खगोलीय घटना से ये वर्ड आया। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है हमारा फादर्स डे। आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम चलते हैं फादर्स डे पर। फादर्स डे, अगर यहां पर फादर्स डे की बात की जाए सबसे बड़ी चीज, तो हमें क्या चीज यहां पर देखने को मिलेगी? हम चलते हैं यहां पर सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पर। फादर्स डे सबसे पहले ये 19 जून 1910 को वाशिंगटन में मनाया गया। साल 2019 की बात करें, इट्स मीन आप तो 2020 चल रहा है, इस साल इसको पूरे 110 साल हो चुके हैं, 110 साल हो चुके हैं। और इसके पीछे जो हमें रोचक घटना है, जो रोचक इंसिडेंट है, जो रोचक स्टोरी है, वो है सोनेरा डॉड की। जी हाँ, सोनेरा डॉड। ये यहां पर जो आप एक फोटो देख रहे हैं, वो सोनेरा लुईस स्मार्ट डॉड की है, जिसके ऊपर फादर्स डे की एक रोचक घटना है। अगर हम इसकी बचपन की बात करें, तो सोनेरा डॉड जब नन्ही सी थी, तब उनकी मां का देहांत हो गया। इनके फादर विलियम स्मार्ट ने सोनेरा के जीवन में मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और उसे पूरा मां का भी प्यार दिया। एक दिन यूं ही सोनेरा के दिल में ख्याल आया कि आखिर एक दिन पूरे साल में फादर के नाम क्यों नहीं हो सकता। इस तरह जो हम देखते हैं 19 जून 1910 को पहली बार सोनेरा ने फादर्स डे सेलिब्रेट किया। और तब 14 ईयर लेटर 1924 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे कैल्विन कोली, उन्होंने फादर्स डे पर अपनी मोहर लगा दी। फिर 1966, जी हाँ, ये 1966 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इस साल हमें हरियाणा पंजाब, मतलब पंजाब से हरियाणा स्टेट भी अलग होता हुआ दिखा। खैर, 1966 में प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक घोषणा की। और 1972 की अगर हम बात करें, 1972 में अमेरिका में फादर्स डे पर स्थाई, जो बात की जाए यहां पर पूरे तरीके से अवकाश घोषित कर दिया गया, छुट्टी कर दी गई इस दिन। और फिलहाल पूरे वर्ल्ड में जून के 3rd रविवार को, जो कि इस बार पड़ रहा है 21 जून को, फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन भारत में अगर इसकी बात की जाए फादर्स डे की इंपॉर्टेंस की, तो अब धीरे धीरे इसका प्रचार और प्रसार दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, MNC जो कंपनी है, उनकी बढ़ती भूमंडलीकरण की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें आर्थिक कारण के साथ साथ सांस्कृतिक कारण की, पिता के प्रति प्रेम के इजहार के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखना चाहिए।
अब हम बात करते हैं इसकी इंडिया में, आखिर इसकी इंडिया में इंपोर्टेंस क्या है फादर्स डे की। सबसे पहले कितना रेलिवेंट होगा ये फेस्टिवल, क्योंकि बहुत से फेस्टिवल ऐसे हैं जो पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुंधकरण फॉलो करने के लिए हम इंडिया में भी सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। उनमें भी है फादर डे, मदर डे, जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, अगर हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें भारत में, रेलिवेंस ऑफ द फादर डे इन इंडिया, तो हम लेकर चलते हैं आपको हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, असली भारत जो है वो गांवों में बसता है। यहाँ बसने की बात का मतलब मैक्सिमम आबादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम भारत की इंडिया की आबादी है वो आपको आज भी गांवों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और भारत में अगर बात की जाए तो वैसे भी असंख्य त्यौहार, आपको पता होगा भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, और यहाँ तक कि जो त्यौहार है वो त्यौहार मनाना, फेस्टिवल मनाना ही अपने आप में एक मौसम बदलने का इंडिकेशन है, सूचक है। फिर चाहे दिवाली हो, सर्दी आने का सूचक, अगर हम बात करें फेस्टिवल दिवाली की जो कि हिंदुओं का सबसे फेमस फेस्टिवल है, तो वो सर्दी आने का सूचक है। अगर होली की बात करें तो वो गर्मी, समर आने का सूचक है, और शिवरात्रि की बात करें तो हरियाली, सावन आने का सूचक है। परंतु बात की जाए तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज या पश्चिमी सभ्यता के जो त्योहार हैं, फेस्टिवल हैं, क्या उनको भारत में सेलिब्रेट करने में कितनी प्रासंगिकता है। आज अगर भारत की हिस्ट्री को टटोला जाए तो मदर्स डे, फादर्स डे जैसे त्योहार भारत में जो इंडियन है वो पूरे साल किसी न किसी दिन नहीं बल्कि पूरे साल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं सभी की नहीं, मतलब पूरी पॉपुलेशन की नहीं, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें जो पूरा साल ही ये सेलिब्रेट करते हैं फादर्स डे, मदर्स डे जैसे फेस्टिवल। प्राचीन काल से ही अगर हम बात करें तो ज्वाइंट फैमिली देखी जाती थी, फिर धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली में बदलनी स्टार्ट हो गई। ज्वाइंट फैमिली की अगर बात कही जाए जिसकी अपने खुद हमें प्रॉफिट देखने को मिले, बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिले, सबसे बड़ी चीज़ आदमी की लाइफ में कोऑर्डिनेशन, पेशेंस, सबसे बड़ी बात जनरेशन गैप जो हमें वेस्टर्न कंट्रियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आज भी इंडिया जैसी कंट्री में हमें जनरेशन गैप बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब जिसका टाइम पीरियड, जो टाइम स्पान है, वेस्टर्न कंट्री में तो 5 से 6 साल इसका टाइम पीरियड हो चुका है, लेकिन आज भी इंडिया में 7 से 10 साल के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी उपयोगिता रखती है। तो उसके बाद भी की जाए, आदमी की जो पर्सनैलिटी है वो काफी पर्सनैलिटियों का निचोड़ है, व्यक्तित्व का निचोड़ है, जो कि हमें ज्वाइंट फैमिली में देखने को मिलता है। ज्वाइंट फैमिली में बच्चे को अपने व्यक्तित्व निखारने की काफी चीजें विरासत में ही मिल जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बात करें ज्वाइंट फैमिली है, औद्योगिकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड होने लगी, टूटने होने लगी। जैसा अमूमन हमें पश्चिमी सभ्यता में वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसमें हमें देखने को मिलता है, बट उसके बावजूद आज भी वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा जो हमारा संस्कृति है, इंडिया की संस्कृति है, उसको तवज्जो ज्यादा दी जाती है। तभी भारतीय सभ्यता गरीब होने के बावजूद, यहाँ पर गरीब होने का स्पष्ट पर कैपिटा इनकम है, जबकि भूटान जैसी कंट्री में हमें गरीब और अमीरी का जो स्केल है वो हैप्पीनेस इंडेक्स से देखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो इसमें आप बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो भारतीय सभ्यता गरीब होने के बावजूद आशावादी सभ्यता माना जाता है। यही तो है सबसे बड़ी खास बात, पेरेंट्स की वजह से जो चीजें हमें यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिली। अगर यहां पर बात की जाए पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के कारण ही अगर हम इंडिया में देखते हैं तो जो आदमी है उसका लाइफ स्पान यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, उसकी लाइफ में हमें कम द्वेष देखने को मिलेगा और उसकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा होगी। लेकिन हम बात करते हैं यूएसए या वेस्टर्न कंट्री की, वहां पर ये जो डे है, जो सेलिब्रेट करने का नजरिया है, वहां पर माँ बाप अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री में जब बच्चा पूरा साल बिजी रहता है तो
तो किसी साल के एक दिन बच्चा फादर से बात करता है और किसी डे को वो चुन लेता है, जैसे कि यहाँ पर 21 जून चुना गया और फादर डे सेलिब्रेट किया जाता है फोन पर या बात कर या ज्यादा से ज्यादा घर में रूबरू होकर। जबकि भारत देश की बात की जाए तो फादर अपने बच्चों को जब तक डेली डोज ना दे दे तब तक फादर डे सेलिब्रेट ही नहीं होता। इसका मतलब भारत में रोज फादर डे सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो लेकिन अपनी माँ बाप की होगा आंखों का तारा। तभी तो भारतीय सिनेमा में हमें कुछ गाने भी देखने को मिले, जैसे कि तुझे चंदा कहूं या तारा, यहाँ पर एक फादर अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच रहा है। आप देख सकते हैं हमारी सभ्यता कितनी ज्यादा रिच सभ्यता है। फिर बात की जाए, कुछ हमें बच्चे नादान परिंदे भी ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि माँ बाप की इतनी नहीं सुनते या उनकी कदर नहीं करते, तो हम ये कहेंगे कि वो बच्चे आज भी गुमराह है जो इस बात को समझ ही नहीं पाए। हमारी संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ श्रवण जैसे व्यक्तियों के तो आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और भगवान श्री राम वो तो अपने पेरेंट्स के कारण की उन खुशी के कारण ही वो गए कहाँ पर, 14 वर्ष का वनवास काटने। लेकिन हम यहाँ पर वनवास काटने की बात नहीं कह रहे, हम बात कर रहे हैं कि ये फादर्स डे मदर्स डे तो पूरे साल ही हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियंस। और उससे भी बड़ी बात अगर यहाँ पर बात की जाए तो भारत देश में तो बच्चा ताउम्र मैक्सिमम अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताता है। और हो भी क्यों ना, सर्वे से तो पता चलता है कि जो बच्चे अपने माँ बाप से टच में रहते हैं या साथ रहते हैं वो ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा उम्र के मिलेंगे आपको। स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा जिएंगे और ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा कमाएंगे तभी इंडियन इकोनॉमी में और अपना पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो भारतीय अपना परचम लहरा पाएंगे। इन्हीं सब वजहों से भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी है आजकल। जी हाँ, अगर यहां पर हम बात करें, बात की जाए कंक्लूजन की, तो सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी सभ्यता क्या हमें अंधाधुन तरीके से इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ सुख दुख साझा करते हुए जीवन के हर दिन हम फादर्स डे मदर डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि जो आदमी की पर्सनैलिटी है उसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य जिसे हम बोलते हैं, पेशेंस, और सबसे बड़ी बात जो जनरेशन गैप की खाई है हम इनको कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं पर काफी हद तक इसको कम किया जा सकता है।